गोपी यार बड़ी चिंता हो रही है यार। वेल ब्रो, दिल मत कर छोटा इज्जा, मेरा ससुर है एकदम मोटा इज्जा। अबे तेरे ससुर मोटा होने से क्या होता बता, अगर बस नहीं मिली ना मैं जिंदगी भर ससुर नहीं बन पाऊंगा, बीवी हांगकांग में है। Well, बस हो जाएगी बुक इज्जा, मेरी सास मुझे देती है बहुत दुख इज्जा। छोड़ तेरी सास को, मैं पूरे ट्रेवल एजेंसी घुमा आया हूँ, कहीं बस नहीं है, शादियों का सीजन चल रहा है, अपने बेटे की बारात के बैलगाड़ी में ले जाऊं। यार जितना इलाका है ना ये सब मेरा इलाका है। आज जितनी ट्रांसपोर्ट है ना सब बच्चे हैं अपने, ये देख टीटू ट्रेवल दोस्त अपना, एक बार बोलू ना बस काम हो जाता है। बोलो पाजी। हाँ टीटू मैं बोल रहा हूँ, गाली मत दे यार। हाँ मैं गोपी बोल रहा हूँ यार। हाँ नहीं नहीं सॉरी मत बोल यार, सॉरी मत बोल, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, अब बाहर आ जरा। आ रहा। हाँ दोस्त अपना चिंता नहीं कर ली, काम एक मिनट में यार, ऐसे 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 होता है काम। आ गया हट, क्या राम महाराज। अरे महाराज महाराज क्या तेल बेच रहे, देखो शादियों का मौसम चल रहा है, मैं हूँ टीटू ट्रेवलिया, पहुँचा दूंगा बरेली या बलिया, समस्या समोसा है। टीटू इधर इधर आ यार। क्या यार इसके सामने तुम ऐसे बात कर रहे हो यार, थोड़ी इज्जत होती है ना बंदे की यार। कुछ नहीं है, बात छोटी सी बात है, इसके बेटे की ना सवेरे बारात जानी है, पास नहीं मिल रही कहीं भी, मैं पूरे शहर में देखा, मैं इसको बोला मैं कहा टीटू बच्चा अपना है यार, तेरा काम हो जाएगा, एक काम कर इसके लिए ना बस बुक कर दे। वो 2500 रुपए लिए थे पिछले 2 साल पहले, वो दिए नहीं अभी तक, वो लाए हैं अभी है? कोई नहीं कर लेंगे अपन बाद में यार, कर लेंगे। देखिए बस भी नहीं है, ये शादियों का सीजन चल रहा है, शादी के लिए बस हलवाई और यहाँ तक दुल्हन अगर 4 महीने पहले नहीं कराई तो समझ लो समस्या समोसा है। देखो मैं टीटू ट्रेवलिया पहुँचा दूंगा बरेली या बलिया, बस नहीं है मुझे जाने दो, और सुनो कि तेरा दोस्त है साथ में बोल के मैं इज्जत रख रहा हूँ, वरना मैं सुनिए क्या नहीं, हाँ मेरे यार कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई समस्या समोसा है, चलो जाने दो, ठीक नहीं है। अरे भैया ये भैया ये जो बस खड़ी है ना यही भेजो मेरे बेटे की शादी में। अरे अंकल देखिए ये बस जो है ना ये सिर्फ शो पीस है, ये बस दिखने में ये बस खटारा है, इसके इंजन में बहुत प्रॉब्लम है, ये चलती वलती नहीं है, ऐसे खड़ी रहती है, कहीं और जाके बस ढूंढो, मेरे पास नहीं है। हाँ यार गोपी सुन, अब क्या होगा, मेरे बेटे की शादी ना होगी। वेल डोंट वरी, तेरे बेटे की जाएगी जरूर बारात, तू मेरे साथ चल चौकी, मैं मम्मी जी से करता हूँ बात इस दा, कम ऑन हो जाएगा या 100%। ओए अबे क्या हो गया बे? अबे सीधा खड़े रहे, अबे चल 6 नंबर में जाके अपने आप लाखों चल। अबे अबे निकल निकल, शांति रखिए मिश्रा, शांति रखिए दिमाग, क्या कर रही है आप? सर महाराज जो है ना आजकल दिमाग एकदम भन्नाया हुआ सर है, वे ऐसा लगे कि किसी दिन फट जाएगा बिल्कुल, इतना गुस्सा आ गया ना मन ने, आई हैव लॉस्ट कंट्रोल। हाँ तो मैडम इसीलिए तो मैं भी इतने टाइम से कह रहा हूँ मैडम, कुछ पिकनिक पे चलते हैं ना, मतलब एक माहौल सा चेंज हो जाएगा, मतलब ठंडी हवा खुला आसमान मजा सा आ जाएगा, लेकिन आप बिना एक नंबर की बोली है। कुछ हुआ था क्या? अबे कुछ होने से पहले ही आज हमने गेम कर दिया, चौकन्ने हो गए हम आज। आराम आराम आराम। हेलो एवरीबॉडी, ये पापा
वेल मॉम शी इज माय दोस्त इज द कभी कभी मेरी बीवी मुझे लगती है गोस्ट इज द तो के करूं मैं थारा दोस्त है तुम्हें ना थारा जय भी हो रहा है यो क्या बिग भी हो रहा है इसके संग बोल बच्चन कर लूं मैं दोस्त थारा थारा यो मुटल्ला नहीं मम्मी जी एक्चुअली ना इसके लड़के की शादी है जी नहीं तो इसके दोस्त की शादी है तो मैं क्या घोड़ी बन के जाऊंगे मैं ओहो क्या बात है यार मतलब तुम्हारे लड़के की शादी और तुम यहाँ पर यूं आए हो खाली हाथ आए हो मतलब क्या तरीका है यार मतलब लड्डू तो बनता है नमस्ते मैडम हमें डब्लू द्विवेदी बीबी हांगकांग में तो तैने कहा भेज दू बैंकॉक भेज दू मैं सिंगापुर भेज दू नहीं मम्मी जी बात ये है ना जी सवेरे ना इसके लड़के की बारात जानी है जी और शहर में कोई भी बस नहीं मिल रही जी बारात जाने के लिए सारी बसों की बुकिंग हो चुकी है जी मैंने कई ट्रैवल एजेंट वालों को फोन किया है लेकिन सब मना कर रहे हैं कहते कोई बस खाली नहीं है मैंने इसको बोल दिया डोंट वरी ब्रो तेरा काम हो जाएगा मम्मी जी ना नहीं करेंगे मुझे क्यों भाई तुम्हारी मन्नत में मांगी हुई औलाद है जो मैं निकल बगिया से भग हट चबे चपरासी प्लीज मेरी इज्जत का सवाल है जी देखिए मिस चुड़ैल हम तो किसी बस वाले को जानते हैं नहीं अगर आप जानती तो इस चपरासी का काम कर लीजिए टीटू ट्रेवलिया ने फोन कर देती हूँ मैं ना कर दीजिए उसने वो कहता कोई बस खाली तो ठीक है अपने आप करवा ले नहीं 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 प्लीज 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 करो इंतजाम कुछ करो करो एक्स्ट्रा लाइन बोलने की आदत वाओ 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 थैंक्स सॉरी गोपी चुप हो जा चुप हो जा सॉरी अब चुप हो जाना मैडम कर रही है ना बीच बीच में डिस्टर्ब करे बड़ा उनको हेलो चंद्रमुखी चौटाला बोल रही हूँ जी जी मैडम बोलिए मैडम समस्या समोसा है एक बार आज जानी है बस चाहिए मैडम एक काम करता हूँ मेरे पास एक बस है मैडम 5544 लेकिन मैडम इस वक्त वो चलने की कंडीशन में है नहीं लेकिन आपके लिए मैडम मैं उस बस को एकदम टकाटक करके तैयार करके आपके लिए तैयार कर देता हूँ मैडम समस्या समोसा है करवा दो रेडी करवा दो हो गया अंजाम एक बस है उसका नंबर है 5544 वो लेके जाएगी तुम्हारी बारात में अरे थैंक यू मैडम थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोग भी हमारी बारात में चलते तो मेरी भी इज्जत बढ़ जाती मारे बाप की बारात नथरी है जो मैं जाऊं हैं गोद में आ जा बिल्कुल एक काम कर दिया तो और काम ना है हमें कोई यहाँ बैठ के अरे मैडम प्लीज ना मतलब थोड़ा पिकनिक हो जाएगी तो सब लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा मैडम प्लीज अबे ए खाऊ घूसखोर बाल्टी तू चुप ही रह मैडम चलते ना जेंटलमैन वो भी कुछ आउटिंग हो जाएगी आउटिंग कभी इनिंग करके काम भी इंडोर में कर लिया करो आउटिंग पे ही तो पल रहा है तू कुछ नहीं है कोई ना कोई बारात रात नहीं कोई काम करो चलो बस चौड़ाला हम पूछ ना रहे आपसे हम ऑर्डर दे रहे भैया बारातियों में शामिल होने के लिए हम आ रहे सब तैयारी कर लीजिए हम जा रहे हैं मिस चौड़ाला चलो जी काम हो गया आप सवेरे बारात जाएंगे अब मैडम आ रही है तुम बता कह रहे हो आओ आज भाई इसका इंतजाम है ना वाओ 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 हेलो यार चलो 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 कैसे दोस्त है चले मिस चुड़ैल चलिए ओहो
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैडम मैडम मैं हूँ टीटू ट्रेवलिया, पहुँचा दूंगा बरेली हो या बलिया। अबे चलना यार, न जाने कितने सालों से मैं जाने हूँ उसे, लेकिन जब मिलो तब अपना इंट्रोडक्शन पेल देवे। मैं टीटू ट्रेवलिया और बरेली और ये हूँ। नहीं मेरा मतलब ये था कि मैडम मैंने इस बस को यानी 5544 को बनवा के एकदम टकाटक कर दिया मैडम। अब कोई टेंशन नहीं है, ये सरपट भागेगी, बस समस्या समोसा है। नहीं 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 नहीं, समोसे कभी समस्या नहीं हो सकती, ये क्या कह दिया आपने। नहीं वैसे आप बाराती बाराती सब आ गए हैं तो कुछ समोसों का इंतजाम तो रखा होगा ना खाने वाने का। अरे भैया समोसा कचौड़ी कोल्ड ड्रिंक मिठाई सब व्यवस्था है इस बस में, सब व्यवस्था कर रखी है मैंने। क्या बात है यार, अच्छे आदमी हो तुम यार। नमस्ते मैडम। मैडम हम है रही दूल्हे की अम्मा और नाम है रहा है हमारा उफ यू माँ। सर मैं अभी भी कह रही हूँ लौट ले रहे हैं जीप में बैठ। ना ना मिस वाला, अच्छे लोग हैं, देखो नाच गा रहे, चलते शादी के माहौल में सब होता है। चलो जी फिर बैठो पास, देखो लेट हो रहे हैं हम सब है? चलो चलो भाई चलो। कहाँ जा रहा है? अरे हमने मैडम को बुलाया और बाकी पुलिस वाले को बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तुझे मना किया था ना मैंने, तू बता। अरे यार कमाल करती हो यार, मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर रहे हो यार। तू सी लायक है, तू सी लायक है, चपरासी कहीं का। हाय हाय मैडम, ये जिस बारात में आता है ना पीकर इतने हंगामे करता है, इतनी बदनामियां करता है, पूरा हमारा मोहल्ला इसको कभी बारात में नहीं ले आता। ज्यादा हो रहा है, तुम फिक्र कर रहे हो ज्यादा। अच्छा मैं ये कह रहा था, हाँ कुछ सारा इंतजाम है ना, पूरी बोतल रखी है, तो डर क्यों रहा है? जबी बा, जबी बा। चलो लो भाई जो ही सब होगा पूरे रास्ते। चौटाला जी जरा शांत हो जाइए, स्माइल करिए, आपको हमारी कसम बस। ठीक है सर, चलो चलो चलो। अरे सर सर आइए, चलिए मैं भी चलता हूँ। चलो आप लोग जाइए ठीक से। अरे ड्राइवर ठीक से लेके जाना गाड़ी। चलो चलो। इस गधे को यही बस ठीक करवानी थी। जब तक ये लोग बस के अंदर रहेंगे तब तक मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा। मुझे किसी ना किसी तरीके से इन सबको बस के बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो चीज मैं हासिल कर सकूं जो मैंने बस के अंदर छिपाई थी। हाँ ठीक से जाना, ठीक से चल 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 निकल, चल चल चल। हाँ हाँ अरे यार चल, मेरे ऊपर ही चढ़ाएगा, मैंने कहा ठीक से चला, चल जा, समस्या समोसा है। आंटी क्या बात है, आंटी क्या बात है। छोड़ाला हम क्या करें, आप को नींद आ रही है और बोर भी हो गए तो थोड़ा अंताक्षरी हो जाए। क्या बात है, एक तो जो है ना फैमिली चल रही है यहाँ पे बारात में जा रहे हैं, और सेकंडली भाई ऐसा है कि अंताक्षरी ऐसे ना होती शुरू। अंताक्षरी के लिए बैठे बिठाए के करे करना कुछ काम, भाई शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। एक मिनट भैया, माँ से गाएंगे और कौन गाएगा जो सबसे जो है, आंटी गाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या बात है आंटी, इस उम्र में आंटी, एक रात की दूरियां, एक रात की दूरियां है। तो भैया ह से गाओ, कोई छिछोरा गाना गाओ भाई, बताओ कौन गाएगा। हाँ हाँ से हमारे छिछोरे, तैने छिछोरे बन की शान रखी है बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन सा लास्ट वर्ड कौन सा है, यो कौन गा रहा है, यो से कौन गा रहा है, यो यो कौन गा रहा है से गाओगे भाई। हमें शर्म आ रही है, आगे बढ़ते जरा खेल में ध्यान देते। छोड़ाला आप गाइए ना,
ल से? ल से, आप गाइए। अच्छा सही है, तो फिर मैं गा रही हूँ। फिर मैं पता नहीं बस कब रुकेगा, एक बार बस में चढ़ जाऊं फिर तो काम खत्म करके रहूंगा। हो गया तेरा गाना, याद मत दिला हमें, बैठ जा। और ड्राइवर भाई साहब, ड्राइवर भाई साहब जरा मौका मिले तो जरा आगे जरा गाड़ी रोक दीजिए कृपया करके। क्यों सर? अब वो लघु शंका का वक्त हो गया हमारे। आप लोग आराम करिए, हम जरा फटाक से दो मिनट में आते हैं चिट चैट। मिश्राला आप कहाँ जा रही है? सर मैंने कमिश्नर साहब को फोन करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप फोन करिए हम। सुनिए भाई साहब, समझ रहे हैं ना कहाँ है वो? हेलो, हाँ कमिश्नर साहब। यही मौका है बस को कब्जे में करने का।